How are you, beta? Yesterday I told, I have already taught you about LL sound word, na? Well, well means kua. Wall, wall means diwar, na? Diwar to bolte ho. Pull, bell, ball, doll. Yesterday I already taught you about this. Today, on the basis of that LL word, I am going to teach you a chapter, chapter number 5 from your English book. So let's come to the picture first. See, in this picture, one boy is there and one girl is there. है ना? एक लड़का है और एक क्या है? लड़की. The name of this boy, जैसे आपका नाम है ना, मयंक है, और बहुत सारे बच्चों का नाम है ना अलग-अलग. Similarly, इस बच्चे का नाम, the name of this boy is Jack. And the name of this girl is Jill. The name of this boy is Jack. And the name of this girl is Jill. Jack and Jill. दोनों भाई बहन हैं. Jack and Jill. Jack has a ball. Jack के पास क्या है? Who has a ball? Jack has a ball. Jack has a ball. And see, इधर देखो. Who has a ball? Jack has a ball. And who has a doll? Jill has a doll. Jack and Jill. Jack has a ball. Jill has a doll. इसमें से छोटा कौन दिख रहा है? छोटी वाली बहन है ना? Jill is small and Jack is tall. Jack is tall and Jack calls Jill. Jack ने Jill को बुलाया. Means मैंने तुम लोगों को भी क्या-क्या समझाया? मैंने समझाया Jack has a ball, Jill has a doll, Jill is small, Jack is tall. Jack calls Jill. That's all about in the first stanza, beta. यहाँ देखो. Jack has a ball. Jill has a doll. Jill is small. Jack is tall. Jack calls Jill. Now only two questions you tell me. Who has a ball? तो आप क्या बोलोगे? Answer: Jack has a ball. Who has a doll? Jill has a doll. Got it, children? This paragraph है ना? This paragraph we have already learned from this paragraph. See this picture, beta, है ना? In this picture, that is a mill. Yesterday I had already told you about it. कल मैंने तुमको बताया था कि ऐसा मिल है जिसमें प्रोडक्शन होता है. दैट इज अ मिल एंड दिस इज अ वेल. वेल मतलब कुआं, है ना? इधर देखो, मेरी तरफ देखो. दैट इज अ मिल एंड दिस इज अ वेल. ठीक है, दिस इज अ वेल. The well is full of water. कुआ में क्या रहता है? मैंने क्या बताया था? पानी, है ना? The well has a wall. और इस कुआ के पास देखो एक वॉल भी बना हुआ है. ये वॉल दिख रहा है, ठीक है? There is a bell on the wall. देखो इसमें तुम लोग कितना कुछ सीख रहे हो बेटा. Use of this and that, use of on, है ना? That is a mill. ये दूर था तो that is a mill. This is a well. ये पास में है तो this is a well. The well is full of water. इसमें पूरा पानी भरा हुआ है. The well has a wall. देखो ये wall दिख रहा है बेटा. The well has a wall and there is a bell on the wall. On the wall. मैंने बताया था on the table. The scale is on the table. Similarly, the bell is on the wall. Bell किसके ऊपर है? Wall के ऊपर, है ना?
जिल पुल्स द बेल. देखो पुल मतलब खींचना. किसने खींचा? जिल ने खींचा. तो इस पिक्चर में आप क्या क्या सीखे? दैट इज अ मिल, दिस इज अ वेल, द वेल इज फुल ऑफ वॉटर, द वेल हैज अ वॉल, देयर इज अ बेल ऑन द वॉल एंड जिल पुल्स द बेल. ना बेटा आपको रीड करना आना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर यू कैन रीड इट. THAT, that is a mill, है ना? That is a mill. This is a well, this is a well. The well is full of water, इसमें पानी, कुआं में पूरा क्या भरा हुआ है? पानी. The well has a wall, well में क्या है? क्या है? देखो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? Well में, कुआं में एक दीवार भी बना हुआ, दीवार से चारों तरफ किया हुआ है. जिल पुल्स द बेल. बेल कहाँ था बेटा? वॉल के ऊपर. और ये जिल, इसका नाम जिल है ना, पहले वाले पिक्चर में मैंने बताया था. जिल पुल्स द बेल, जिल ने बेल को पुल किया, खींचा. आपने क्या सीखा? डैट दिस ऑन द बेल. ओ द बेल डिंग डोंग, है ना? अब ये बेल खींची तो ये जिल क्या हो गई? इसी फॉल डाउन, गिर गई. फॉल डाउन, देखो पटाक से गिर गई ये. इसने इसे खींचा और ये गिर गई. जिल फॉल्स डाउन द हिल, हिल से नीचे गिर गई, है ना? मैंने बताया था ना कल हिल आप लोग को. ओ द बेल डिंग डोंग, जिल फॉल्स डाउन द हिल. अब कोई गिर जाएगा तो आप लोग गुस्से से, इसका भाई जो है ना गुस्से से चिल्लाने लग गया, हेल्प हेल्प. जी यस, यस मीन्स गुस्से से चिल्लाना, है ना? अरे हेल्प करो, मेरी बहन तो गिर गई. आपके भाई बहन गिरते हैं बेटा तो आप चिल्लाते हैं, मम्मी को बताते हैं कि मम्मा मम्मा बाबू गिर गया, जल्दी से इसको ट्रीटमेंट करो, कुछ लगा दो, दवाई लगा दो. सिमिलरली जिल, वेन जिल फॉल्स डाउन, Jack yells, help, help. Jack runs down the hill. Jack क्या करता है? दौड़ के अपनी बहन को बचाने आता है, है ना? देखो यही चीज है बेटा यहाँ पर. Oh the bell, ding dong, Jill falls down the hill. Reading करना तो मैंने कल बता दिया था आपको. Jill falls down the hill. Jill helps. Jill falls down the hill. Jill helps. Jill चलाती है. Help, help. Jack runs down the hill. Jack जल्दी से, आपको भी चोट लगता तो आप चिल्लाते हो ना मम्मा help, help, रोने लगते हो. तो Jill भी क्या करी? रोने लग गई. तो Jill yells, help, help. Jack runs down the hill. So this is your third paragraph. बोलो मेरे साथ बोलो. Oh the bell, ding dong, Jill falls down the hill. Jill yells. Jack नहीं चिल्लाता है, Jill चिल्लाती है. Jill, इसके पहले वाले मैंने बोल दिया था कि Jack yells, है ना? Jack not yells. Jill yells. Jill yells. Help, help. Jack runs down the hill. Now the next is, Jack gives a pill to Jill. Jack ने क्या दिया? कल मैंने आपको pill बताया था ना, मैंने आपको pill बताया था. क्या होता है बताओ तो? pill, पिल मतलब होता है मेडिसिन, जो मैंने आपको कल निकाल के भी दिखाया था अपनी मेडिसिन में से. जब आपको चोट लग जाता है, जब आपको फीवर आ जाता है तो मम्मा क्या देती है? मेडिसिन. मेडिसिन को क्या बोलते हैं? जो गोली रहता है ना, गोली, दैट इज कॉल्ड पिल. जैक गिव्स अ पिल टू जिल. डिंग डोंग डिंग डोंग सेज द बेल. और बेल तो हिलता रहेगा, है ना? डिंग डोंग कर रहा था. तो बेटा आपका ये चैप्टर जो है ना, आपको रीड करना है, थ्री टाइम्स रीड करना है.
और मैंने पिक्चर के अकॉर्डिंगली तुमको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. Going to teach you this lesson. Jack has a ball and Jill has a doll. Jill is small, Jack is tall. Jack calls Jill. See, that is a mill. This is a well. The well is full of well has a wall. There is a bell on the wall. Jill pulls the bell. Oh, the bell. Ding dong. अब क्या हुआ? Bell खींची तो. Bell जब वो खींची, Jill falls down the hill. जैसी वो bell को खींची, वो गिर गई. Jill, yes. Jill ने चिल्लाया, help, help. Jack runs down the hill. Jack gives a pill to the Jill. Ding dong, says the bell. बेटा ये स्टोरी है एक भाई और बहन की, ठीक है. दोनों खेलने जाते हैं. खेलने जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एक कुआं रहता है. कुआं के ऊपर एक बेल रहता है ना. अब वो क्या करती, चिल क्या करती, पुल दैट बेल एंड सी फॉल डाउन. गिर जाती है और गिरने से क्या होता है, फिर वो चिल्लाने लगती है, हेल्प हेल्प. तो जैक क्या करता है, उसके पास और गिरता है और वो एक मेडिसिन देता है. किसको देता है, चिल को, है ना. और बेल का जो आवाज़ था क्या था, डिंग डोंग डिंग, ठीक है. इट इज ऑल अबाउट योर इंग्लिश प्रैक्टिस. क्या है इंग्लिश प्रैक्टिस, पेज नंबर 13. आप लोग के पास बुक नहीं है, है ना. सो डोंट बॉदर अबाउट इट. आप लोग क्या करोगे, अपने कॉपी में ऊपर लिख लोगे, राइट ऑन टॉप इंग्लिश प्रैक्टिस पेज नंबर 13, राइट इट डाउन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. फाइंड आउट मीन्स आपको निकालना है एट लीस्ट 5 एलएल साउंड वर्ड. ये तो मैम 2 दिन से सिखा रही है एलएल साउंड वर्ड. फाइंड आउट एट लीस्ट 5 एलएल साउंड वर्ड दैट आर हिडन. हिडन मतलब क्या होता है बेटा, छिपा हुआ, जो इसमें छिपा हुआ है ना. Find out at least five LL sound words that are hidden in this word box. इस word box में से आपको double L sound word क्या करना है, find out करना है. अब मैं करने चली. पहले तुम लोग एक कलर पकड़ोगे, रेड कलर पकड़ लेते. ए पहले ऐसे देखोगे, इधर तो नहीं हुआ, इधर भी नहीं हुआ, ढूंढो ढूंढो ढूंढो. पहले मैंने ए से देख लिया, इधर नहीं हो रहा, इधर भी नहीं हो रहा है. आपको यू हैव टू गो हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली ऑल्सो. आप वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों साइड देखोगे बेटा. देखो तो फिर पी की चांस है. नाउ इट्स टर्न ऑफ पी. पी अरे ये एल एल दिख रहा है, पी यू एल एल दिख गया ना. ये पुल दिख गया, पुल है ना, ये पुल दिख गया. अब यहाँ सी से देखो, सी ऊपर देखोगे नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है. एम से देखोगे, नाउ इट्स टर्न ऑफ एम, गो दिस साइड, नो. एक आपको क्या मिला, पुल, है ना, व्हाट यू गॉट. रेड कलर में आपको क्या मिला बेटा, बोलो सर, बोल नहीं रहे हो. क्या मिला ऋत्विक, पुल मिला. क्या मिला, पुल, पी यू एल एल, पुल. पुल मतलब क्या होता है ऋत्विक, खींचना सबको पता है ना, खींचना. नाउ नेक्स्ट कलर, ए पी सी एम देख लिए. अब इधर से देखो ए, अरे और एक
नहीं लग गया बेटा? ये देखो मुझे तो मिल गया, पता नहीं तुम लोग को मिला कि नहीं। क्या है? FULL फुल FULL फुल मतलब भरा हुआ। फिर देखो कि ढूंढो ई से देखो इधर तो नहीं बन रहा है, एल से भी नहीं बन रहा है। ऐसे भी देखना बेटा, आपको एक एक अल्फाबेट पकड़ना, आपको वर्टिकली और हॉरिजेंटली जाना है ना। जैसे ये डी पकड़े तो एक बार ऐसे देखो, टी से तो नहीं बन रहा है। अरे ये तो बन गया, प्यारा सा डॉल, ब्लू कलर में डॉल है ना, DOLL डॉल। डॉल मीन्स क्या होता है बेटा? गुड़िया। जिनके पास छोटी सी डॉल थी, आप लोग के पास है क्या? गर्ल्स तुम लोग के पास है कि नहीं? सबके पास होगा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे है ना तुम लोग। नाउ HHALD कुछ भी नहीं होता, मीनिंग होना चाहिए आपको, डबल एल साउंड वर्ड निकालना है। टी अच्छा दिख गया मैम को, एक और दिख गया, टॉल, TALL टॉल। क्या निकला बेटा नेक्स्ट हमारा? टॉल। अब देख लो बेटा कहीं और छूटा तो नहीं है आप लोग का, इधर तो नहीं दिखा, इधर भी नहीं। एक और है, मुझे तो दिख गया, पता नहीं तुम लोग को दिखा कि नहीं। देखो हिल, क्या निकल गया? हिल, HILL। ये मैंने 5 वर्ड्स ढूंढ लिया है ना। क्या क्या है मेरे पास? पुल, फुल, पुल, फुल, टॉल, टॉल एंड हिल। आपको ये 5 वर्ड्स मिले ना बेटा यहाँ से, वही मैंने इस पेज में लिख लिया। आपको पहले ये पेज, यू हैव टू डू दिस पेज एंड देन यू विल डू दिस पेज। द वेल, वेल मतलब कुआं। द वेल इज, इसमें से कोई एक वर्ड आएगा, ढूंढो। द वेल इज फुल ऑफ वाटर, यहाँ क्या आएगा? फुल है ना। सिमिलरली आप खुद से निकालोगे, मैं नहीं बताऊंगी, एक बार बता देती हूँ। द डैश इज ऑन द बेड, बेड पे क्या होगा? बेड पे पुल होगा, पुल मतलब खींचना। डॉल मीन्स गुड़िया होगी, टॉल हिल, क्या आएगा? द डॉल इज ऑन द बेड, क्या आएगा बेटा? मैं बता देती हूँ क्योंकि ये आप लोग के। मिली, मिली इज अ डैश गर्ल, मिली कैसी लड़की है? ये भी हो गया है आपका, फुल हो गया है, डॉल हो गया। अब आपके पास ये बचा है ये और ये। मिली इज अ डैश गर्ल, मिली कैसी गर्ल है? पुल गर्ल है, हिल गर्ल है या टॉल गर्ल है? आपका आंसर क्या हो सकता है बेटा? टॉल। द हाउस इज ऑन द हाउस, कहाँ? ये टॉल भी हो गया। अब आपके पास दो बच्चे हैं, फुल एंड हिल। द हाउस इज ऑन द हिल। द बॉयज डैश द रोप, रोप मतलब क्या होता है? रस्सी, रस्सी को क्या करेंगे उन लोग? ये तो हो गया ना, क्या बच्चा? पुल, PULL। फिल इन द ब्लैंक्स, आपका ये पेज और ये, दिस टू पेजेस आर फ्रॉम योर इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, ठीक है बेटा? इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का 2 पेजेस किए और इंग्लिश रीडर का हम चैप्टर नंबर 5। योर होमवर्क इज टू रीड चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम योर बुक एंड डू दिस बोथ पेजेस इन योर कॉपी। दैट्स ऑल फॉर अबाउट